अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए आज हम इस वीडियो के अंदर एमडी कैट नम्स और नीट के जो इम्पोर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर वीडियो के अंदर मैंने 50 एमसीक्यूज रखे हैं और जो आज की वीडियो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी का खौफ ना हो तो डेफिनेटली आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम मजीद आपके लिए वर्क कर सकें। तो आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द एक्रोसोम आर कैप ओवर मोस्ट ऑफ हेड ऑफ स्पर्म कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये एक स्पर्म की है, मैच्योर स्पर्म की, और इसका जो हेड है वो एक्रोसोम है। तो आपने बताना ये है कि एक्रोसोम से एक एंजाइम निकलता है जो कि एग वॉल को डिसॉल्व करता है, उसको क्या कहते हैं, उस एंजाइम को क्या कहते हैं, एक्रोसेस, एक्रोसीन, एक्रोसोमेस या एक्रोलाइस। तो फ्रेंड्स याद रखें, इस एंजाइम का नाम एक्रोसीन है और ये एक्रोसोम ऑर्गेनेल से निकलता है जो कि स्पर्म के हेड में पाया जाता है, और ये एग वॉल को डिसॉल्व करता है और न्यूक्लियस जाके एग के न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज कर जाता है। सर्टोलाइज सेल्स प्रेजेंट इन सेक्रोटम बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एपिडिडिमस। तो ये डायग्राम आप जरा गौर करें, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन है और इसके बाहर की तरफ आप देखें तो लैंडिंग सेल्स नजर आ रहे हैं। लैंडिंग सेल भी एक साइंटिस्ट के नेम पे है, इसके लिए एक और भी टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। तो हमने क्वेश्चन ये पूछा है कि सर्टोलाइज सेल्स कहाँ पे हैं, तो यार डायग्राम में देखें तो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोलाइज सेल नजर आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा चार्ली। एसेक्स रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स हाउ मेनी इंडिविजुअल्स एंड व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो याद रखें, एसेक्स रिप्रोडक्शन एक सिंगल इंडिविजुअल्स में शामिल होता है और ये माइटोसिस की तरह की डिवीजन है। Process in which the offsprings are genetically identical to parents is called। तो ये एक्चुअली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो एपोमिक्सर्स, क्लोनिंग और पैथोजेनेसिस हैं, ये सारी की सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस थ्रू, इनके कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए से गैमेट्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखें, जो मोस्टली यूज्ड प्रोसेस है वो है मियोसिस, लेकिन माइटोसिस के जरिए भी गैमेट्स बनते हैं जो कि चंद एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि जो मेल हनी बी है उसमें माइटोसिस भी होती है, इस तरह से ब्रायोफाइट्स हैं उनमें भी माइटोसिस होती है। तो इसके लिए जो सूटेबल आंसर है वो माइटोसिस मियोसिस दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, is the important factor in the survival and adaptation of a species or population। to kisi bhi population ya kisi species ke survival ke liye jo most important process hai, mechanism hai, wo reproduction hai। number 7, not adaptive method, inme se kaun sa adaptive method nahi hai। to yaad rakhiye students, ye asexual reproduction hai, ye adaptive method nahi hai। reproduction तो जनरल है, इसमें दोनों ही सेक्सुअल रिसेक्सुअल आ जाते हैं, और जबकि पार्थेनोजेनेसिस ये एसेक्सुअल की ही टाइप है, तो इसमें जो सूटेबल आंसर है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है। मैन हैज फेवर्ड द प्रोसेस फॉर हिज ओन नीड्स। तो इंसान ने जो अपने फेवर के लिए प्रोसेस यूज किया वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, जिसमें क्लोनिंग है, टिश्यू कल्चर है और दीगर इसके प्रोसेस हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 9, एसेक्सुअल प्रोडक्शन इज मोस्टली एम्प्लॉयड इन। एसेक्सुअल प्रोडक्शन ज्यादातर क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर, रैपिड प्रोडक्शन तमाम के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑल और ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, द डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स इज कॉल्ड। यानी कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी दोनों ही एसेक्सुअल प्रोडक्शन के मेथड हैं और दोनों प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन द हनी बीज डैश डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग।
इनके कौन सा है जो कि अनफर्टिलाइज एग से डेवलप करता है? मेल्स, फीमेल्स, ड्रोन्स, मेल्स और ड्रोन्स। तो इसका आंसर होगा डेल्टा, मेल्स और ड्रोन्स दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर द इंसेक्ट्स हैविंग डिप्लॉयड फीमेल डवेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। इनके डिप्लॉयड फीमेल्स हैं और वो बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप करती हैं, तो वो एफिड्स फीमेल है। इसका आंसर बीटा होगा। क्लोन्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व एक्शंस ऑफ ऑल एक्सेप्ट। तो इसका आंसर होगा जेनेटिक डिजीजेस, हार्मोन का, ड्रग्स का और एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट स्टडी करने के लिए क्लोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जेनेटिक डिजीजेस को स्टडी करने के लिए ज्यादातर क्लोन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 14, आर क्लोन्स हैव सिमिलर, यानी कि क्लोन्स के अंदर कौन सी चीज सिमिलर है, उनकी प्रॉब्लम्स, फीडिंग बिहेव, जीनोम्स या डिजीजेस। तो डेफिनेटली उनका जीनोम सिमिलर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, समटाइम्स द जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज एंड फॉर्म्स टू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल स्कार्ट। तो फ्रेंड्स, ये आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। अगर एक जाइगोट के ट्विन से बन रहे हैं तो उनको आइडेंटिकल ट्विन्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आर प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी, आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स ऐसे ऑफस्प्रिंग है, ऐसे न्यू ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन से बनते हैं और वो इसी वजह से आइडेंटिकल होते हैं। 17 क्वेश्चन, इफ अ फीमेल प्रोड्यूसेस मोर देन वन एग फर्टिलाइज्ड इंडिपेंडेंटली टू फॉर्म डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड। ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल्स बनते हैं वो सेक्सुअली बनते हैं और उनका डिफरेंट जीनोम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रेटर्नल ट्विन्स हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। तो ये सारे तीनों जो लास्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स वो पाए जाते हैं, लेकिन वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं, प्रोड्यूस नहीं होते। तो इसका आंसर होगा अल्फा, दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एक्सेप्ट। तो ये सारी के सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं सिवाय फ्रेटर्नल ट्विन्स के, जो कि सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज एसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो सबसे जो पुरानी मेथड चलता रहे रिप्रोडक्शन का वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, आर द मेल गैमेट्स स्पर्म्स एंथ्रोजाइट्स ओस्फेयर, स्पर्म्स और एंथ्रोजाइट्स। तो ये इसका आंसर डेल्टा है, दोनों ही होते हैं। इनके मेल गैमेट्स स्पर्म्स और एंथ्रोजाइट्स दोनों को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा करैक्टर है, यानी कि वो सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं सिवाय, इसमें मियोसिस जो है ना वो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग वन सेक्स इज कॉल्ड। ऐसे इंडिविजुअल को यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल कहते हैं। हर्मोफ्रोडाइट वो होता है जिसके अंदर दोनों ही मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाएं। क्वेश्चन नंबर 24, अ हर्मोफ्रोडाइट एनिमल हैविंग मेटिंग प्रोसेस। ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा एनिमल जिसके अंदर हर्मोफ्रोडाइट कैरेक्टर पाए जाए, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक में ही पाए जाए लेकिन फिर भी उसमें मेटिंग प्रोसेस पाया जाता है, तो ये है अर्थवर्म, बीटा। क्वेश्चन नंबर 25, यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स इज कॉल्ड।
डेफिनेटली जब गैमेट्स मिलते हैं तो इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। 26 इंटरनल फर्टिलाइजेशन बट एक्सटर्नल डेवलपमेंट प्रेजेंट है, यानी कि कौन से एनिमल्स हैं जिनमें डेवलपमेंट तो बॉडी से बाहर है लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो ये एनिमल्स हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स। तो बर्ड्स और रेप्टाइल में फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर होती है लेकिन डेवलपमेंट का प्रोसेस बॉडी से बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस कॉल्ड, ऐसे एनिमल जो अपने न्यू यंग वंस को, जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उनको बर्थ देते हैं, ऐसे एनिमल को विवीपेरस का नाम देते हैं। ओवीपेरस अंडे देने वाले एनिमल्स हैं और ओवीपेरस वो हैं जिनमें डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है लेकिन फिर भी वो अंडे ही देते हैं। तो जो अपने बच्चों को बर्थ का प्रोसेस जिनके अंदर पाया जाता है उनको कहते हैं विवीपेरस। तो इसका आंसर बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच मैमल ले एग्स, इनमें शामिल है स्पाइनी आंट ईटर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के फॉर्म बनने का जो प्रोसेस है ये मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस है क्योंकि इसके दौरान अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो वो नेक्स्ट जनरेशन में लाजमी मूव करती है। क्वेश्चन नंबर 30, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वन इज ग्रेटर इन, ओवीपेरस एनिमल्स। ओवीपेरस एनिमल वो होते हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट भी इंटरनल है और फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है। तो ये इसका राइट आंसर होगा चार्ली। गैमेट्स इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, तो इनमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है क्योंकि वो खुद हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट फॉर्मेशन भी माइटोसिस से ही होगी। क्वेश्चन नंबर 32, एम्ब्रियोनल प्रोटेक्शन एंड केयर आर बेटर इन, तो ये पाई जाती है विवीपेरिटी में। विवीपेरिटी वो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बर्थ का प्रोसेस पाया जाता है, ऐसे कंडीशन को विवीपेरिटी कहते हैं। तो उसमें एनिमल मैक्सिमम डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है और वो अपने न्यू यंग वन को बर्थ देते हैं, इस वजह से इनमें ज्यादा प्रोटेक्शन और केयर का प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज, एनिमल के अंदर जो मोस्ट कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन का वो सेक्स रिप्रोडक्शन है। Testes are present in the sac-like structures of skin that is called as scrotum. ये scrotum एक ऐसा sac है skin का जिसके अंदर testes पाए जाते हैं। और testes body से बाहर होते हैं mostly animals के अंदर, और इनका जो temperature है वो body के temperature से कम होता है। जैसे कि इनके ऐसा human की body का temperature average 37 है, जबकि जो testes का temperature है वो तकरीबन 33 से 34 degree centigrade होता है। E testes consist of highly complex duct system that is called seminiferous tubules, इसका answer beta होगा। Question number 36, first meiosis take place in ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनते वक्त फर्स्ट मियोसिस किस में होती है? स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होती है, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और उसमें मियोसिस टू होती है तो स्पर्मेटिड्स इनके इमेच्योर स्पर्म्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आर एक्चुअली इमेच्योर स्पर्म्स, तो इमेच्योर स्पर्म्स जो है वो एक्चुअली स्पर्मेटिड्स हैं। Which of the following is not true about reproduction? Reproduction के बारे में कौन सा statement सही नहीं है? Survival of the individual, survival of a species, survival of a population, produce new generation. तो reproduction के according जो first statement है वो सही नहीं है, इनके reproduction is not necessary for the survival of an individual.
सडनली सेल्स प्रोवाइड ऑन टू स्पर्म्स एक्सेप्ट। तो याद रखें ये न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन और लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं लेकिन मैच्यूरेशन के लिए कोई स्टिमुलेशन प्रोवाइड नहीं करते। ये मैच्यूरेशन जो है वो अल्टीमेटली नेक्स्ट जो एक नाली है जिसको एपिडिडिमस कहते हैं वहां पे होती है। क्वेश्चन नंबर 40 इज द मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म सेल्स। चीनी के जो स्पर्मेटिड्स हैं उनका स्पर्म सेल्स में डेवलप होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये इसका आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 41 मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन दी। वो कौन से ट्यूब है, वो कौन सा बॉडी का पार्ट है जहां पे जो स्पर्म की मैच्यूरेशन होती है। तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअली एपिडिडिमस है। तो ये डायग्राम में देखें, डायग्राम के अंदर ये जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है ये एपिडिडिमस है जहाँ पे टेस्टिस से ये निकल रही है उसको हेड ऑफ एपिडिडिमस कहते हैं। आगे वो ट्यूब्यूल है वो जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ एपिडिडिमस। तो एपिडिडिमस के अंदर ये स्पर्म की मैच्यूरेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 42 स्पर्म्स आर फॉर्म्ड आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी कि स्पर्म्स किसकी डिफरेंशिएशन से बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटिड्स। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअली स्पर्मेटिड्स की ही डिफरेंशिएशन से बनते हैं। ये डायग्राम में देखें, डायग्राम के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस शो किया गया है। इसमें जो पहला सेल शो किया गया है वो एक्चुअली स्पर्मेटिड है, तो उसके अंदर ही ये डिफरेंशिएशन से आगे लास्ट स्पर्म बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरोन कौन सेक्रेट करता है, तो याद रखें ये इंटरस्टिशियल सेल सेक्रेट करते हैं जिनको लेडिग सेल्स भी कहते हैं, लेडिग सेल्स। तो ये अगर आप डायग्राम में देखें तो बाहर की तरफ आपको 3 और 4 सेल्स का क्लस्टर नजर आ रहा है जिसको लेडिग सेल कहते हैं, और ये सेल्स, इन सेल्स को दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लेडिग सेल्स आर आल्सो कॉल्ड। जैसे पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, तो इसके लिए भी एक डायग्राम जो है ना वो रिप्रेजेंट की गई। क्वेश्चन नंबर 45 ड्यूरिंग पबर्टी विच हार्मोन इन्वॉल्व्स इन स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट। तो ये मेल के रेफरेंस से बात की गई है। तो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन है जो कि पबर्टी में और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 46 मेल सेक्स ऑर्गन्स बिगन टू डेवलप आफ्टर प्रेगनेंसी। किस वीक के अंदर जो है ना वो मेल के सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। तो याद रखिएगा मेल्स के अंदर एक जीन है जिसको SRY जीन कहते हैं। जब वो एक्सप्रेस होती है तो उनमें मेल के अंदर जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या सेक्सुअल ऑर्गन बनना शुरू होते हैं, और ये 6th week में होता है। एट 1 ejaculation, how much semen is released? तो ह्यूमन में मेल के अंदर तकरीबन 3 से 4 ml semen जो ना वो एट 1 ejaculation रिलीज होता है। The paired seminal vesicles secrete all except। तो seminal vesicles water, fructose और vitamin C तो रिलीज करते हैं लेकिन cholesterol रिलीज नहीं करते। cholesterol prostate gland रिलीज करते हैं। 49 मेल सेक्स हार्मोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। मेल सेक्स हार्मोन्स को मजमूई तौर पर एंड्रोजेंस का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 द मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन इज कॉल्ड। डेफिनेटली ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन का ही है, इसको हम रिप्रोडक्शन का नाम देंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये 50 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का थोड़ा वेट कीजिए, इंशाल्लाह वो भी सून और लेटर वो वीडियो भी अपलोड होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।